सनातन धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो गौ सुरक्षा के नाम पर लोगों से टैक्स तक वसूला जाता है। जहां तक कि गौ सुरक्षा के नाम पर कई मंत्रालय भी बनाए जा चुके हैं। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो जिला पठानकोट से लगातार गौओं की तस्करी J&K में हो रही है। प्रशासन के नाक तले चल रही वे फल फूल रही ये गौ तस्करी का अड्डा सुजानपुर में बना हुआ है, जहां गौओं को इकट्ठा कर ट्रकों में डाल J&K में सप्लाई किया जाता है। इस गौ तस्करी से संबंधित कई सूचनाएं हमारे दर्शकों ने हमें दी, जिसकी जांच पड़ताल टुडे हेडलाइंस चैनल द्वारा की गई और मौके पर जाकर गौ तस्करी को अपने कैमरे में कैद किया। कैमरा देखते जो लोग ट्रकों में गौओं को भर रहे थे वे आनन फानन में ट्रक से गौओं को निकालने लगे। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस द्वारा महज खानापूर्ति की गई जबकि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस कवरेज को रोकने के लिए टुडे हेडलाइंस चैनल पर लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन टुडे हेडलाइंस चैनल अपना फर्ज अदा करते हुए अपने दर्शकों को इस गौ सप्लाई के बारे में जागरूक कर रहा है। वहीं टुडे हेडलाइंस चैनल की प्रशासन से अपील है कि इस मामले पर निष्पक्षता से जांच की जाए। सुजानपुर से लकी सरोज की रिपोर्ट। बच्ची भी है, छोटी बच्ची बिच तुसीं सुट्टी आ। हाँ, कितने लागे, कितने जा रहे हो तुम? कोई कागज पा दसो, कहने बेचिया बंटी ने बेचिया केड़े बंटी प्रधान कितों का है? ना तो मोनू है, गाइया तो इत ही है, इधर ही सुजानपुर ही। सत्त तो हूँ मना करता, अगे तो डॉक्टर ने मना करता, पता नहीं शाम को आना उन्हें। हाँ जी, हाँ जी, सत सत गाइया अभी आए हैं इसी महीने से, डेली दिन लगते, फिर हफ्ते का एक चक्कर लगता। अस तो वापस चले जाते इतने, इतने तो ही वापस। हाँ जी, आगे जानी थी लखनपुर। लाले नाल गल हुई है, बंटी भाई नाल गल हुई है। हाँ जी, बंटी प्रधान जी। चलो हो गया, की हो गया, पता नहीं सर, हम सानू नहीं पता। श्री ब्राह्मण सभा सुजानपुर प्रशासन अगे मंग करदा, जे जड़ियां गाइयां सुजानपुर तो या बाहरों कश्मीर जा रही हैं इन्हां ते रोक लगाई जाए। अगर नहीं रोक लगाई जानी, जे लीगल है ये जाइया जान, अगर नहीं लीगल तो कभी भी नहीं इन्हों भेजना चाहिए। उत्थे हजारों हिसाब न गाइया जाएँ, उनका कोई पता नहीं चलता भी कितने जाएँ कितने नहीं, उत्थे कटदियाँ की होंदा उन्हें, केंद्र कभी वापस नहीं कोई गाइया जी, उत्थे जा ही रही रेगुलर जा रही। अगे जे लीगल है काम तो किया जाए, अगर नहीं है लीगल तो इन बंद किया जाए। मैं बस यही मांग करना प्रशासन ने, सुजानपुर प्रशासन तो ये मांग करदा कि शायद उन्होंने ध्यान में होए कि साढ़े सुजानपुर तो या पठानकोट तो या किसी भी शहर तो जो जड़िया साड़ी गौ माता है जिन्होंने अं अपनी माता का नाम दिता
पूरी सृष्टि से इन्हों माता का दर्जा दिता गया और उन्होंने कश्मीर सप्लाई किया जा रहा है जो गलत यूज करते हैं उन्होंने। मैं प्रशासन तो यह मांग करता कि ये नकेल कसी जाए। मैं ऐसे विनोद कुमार थाना सुजानपुर तनाव था जी। ऐसे तो सब इनफोरमेशन मिली सी इदा करके जड़िया गावं जी लोड करते पे जी जब आप मौके पर गए हाँ तो अगर दुधारू पशु ही वो छोटे छोटे बछड़े ही उन्होंने कोई ऐसे मतलब कि संगीन माता नहीं सी ते वो बेचने वास्ते नहीं होना गाँव उन्होंने 40 साल तो मतलब कि अपना काम करते आ रहा तो छोटे छोटे बच्चे दुधारू गाँव जो है बाकी इस तरह का कोई मिले नहीं। जो इस तरह का मामला होगा तो फिर आप कानूनी कार्रवाई करा उन्होंने पर्चा भी देवे तो गड्डी भी अरैसट होगी जे साडे नॉलेज आया।